सारा अली खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर की शादी को कह दिया सस्ता। उन दोनों की शादी पर सारा अली खान ने आखिर क्यों कही इतनी बड़ी बात, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और हम आपके लिए लेकर आए हैं सारा अली खान और आलिया भट्ट से जुड़ी एक बेहद खास खबर। दरअसल हाल ही में सारा अली खान कॉफी विद करण के काउच में पहुंची। इस नए सीजन के दूसरे एपिसोड में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने शिरकत की और इन एक्ट्रेसेस ने इस शो में काफी ज्यादा हंगामा कर दिया। दोनों की बातें इस कदर इंटरेस्टिंग और सनसनी भरी रही कि हर कोई उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान भी हो गया, क्योंकि सारा अली खान और जाह्नवी कपूर यहाँ अपने काफी सारे पोल और काफी सारे राज को खोलती हुई नजर आई। इसी बीच जब उनसे पूछा गया कि उनको बॉलीवुड की कौन सी शादी अब तक सबसे अच्छी लगी है, तो इस बात पर जाह्नवी कपूर ने रिप्लाई किया कि भाई मुझे आलिया भट्ट और रणबीर की शादी बहुत अच्छी लगी थी। दरअसल रैपिड फायर के दौरान करण जौहर ने जाह्नवी कपूर से पूछा कि आप कौन सी शादी करना पसंद करेंगी, तो इसका जवाब देते हुए जाह्नवी कपूर ने कहा कि मैं रणबीर और आलिया जैसी शादी करना पसंद करूंगी, क्योंकि उन दोनों की शादी बेहद प्यारी थी। इसके बाद सारा कहती हैं कि मैं भी इस बात को मानती हूं, आलिया और रणबीर काफी ज्यादा शानदार हैं और मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, उन्होंने किसी दूसरे देश जाकर शादी नहीं की बल्कि अपनी बालकनी में शादी की, जो काफी ज्यादा क्यूट था। दोस्तों इसके साथ ही काफी सारे लोग ये कहने लगे कि सारा अली खान ने आलिया भट्ट की शादी को सस्ता कह दिया। इनफैक्ट सिर्फ लोग ही नहीं, उस शो में बैठी हुई जाह्नवी कपूर भी ये कह देती हैं कि फिर तो मैं कहना चाहूंगी कि तुम बोल रही हो कि आलिया भट्ट की शादी चीप है, तो सारा अली खान कहती हैं मैंने चीप नहीं कहा है, वो तुमने कहा है, मैंने बस इतना बोला है कि दोनों यूरोप नहीं गए बल्कि बालकनी में शादी की है, इनफैक्ट मैं भी इसी तरह की शादी करना पसंद करूंगी। दोस्तों आपको बता दें इस एपिसोड में एक बिंगो राउंड के दौरान सारा अली खान ने एक स्टेटमेंट को मार्क किया था और उसमें लिखा था कि वो चीपस्टिक है और इस बात पर उनको कोई भी परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उनके पैसे किसी चीज़ में बचते हैं तो वो बचाना पसंद करती हैं। ऐसा ही है सारा अली खान का कुछ थोड़ा सा मूड, और ऐसा उन्होंने बताया कि जब वो केदारनाथ की ट्रिप पर गई थी जाह्नवी कपूर के साथ, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। सिर्फ 6,000 रुपये बचाने के चक्कर में जाह्नवी कपूर को ठंड से कुकड़ना पड़ा था, जिसके लिए जाह्नवी कपूर ने काफी ज्यादा सारा अली खान को फटकार भी लगाई थी। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर माना जाता है कि दो एक्ट्रेसेस कभी भी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, लेकिन जाह्नवी कपूर और सारा अली खान काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने एक समय पर दो भाइयों को डेट किया था। लेकिन अगर बात करें दोनों की पर्सनैलिटीज की, तो सिर्फ इस बात के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसी वजह से इस एपिसोड में काफी ज्यादा मस्ती का तड़का लगा। दोस्तों सारा अली खान ने यहाँ पे काफी सारे खुलासे किए, जिसमें से एक था ये कि उन्होंने आलिया भट्ट की शादी को सस्ता कह दिया। रियल में सस्ता नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब कुछ ऐसा ही था। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अगर ये शादी ऐसे भी हो सकती है तो मैं भी ऐसी शादी रचाना पसंद करूंगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि सारा अली खान की ये बातें आपको कैसी लगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।